नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े। देश की राजनीति में राम के नाम पर सियासी धाम लग चुका है। जी हां, अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर का शुभारंभ होना है, लेकिन उससे पहले श्री राम नाम की लूट पर अटूट सियासत देखी जा रही है। सरकार की तरफ से कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्योता ठुकरा दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि पीसीसी चीफ दीपक बैज और कई नेताओं को निमंत्रण नहीं मिला है। बीजेपी राम के नाम पर श्रेय ले रही है, साथ ही हिंदुत्व का सर्टिफिकेट भी बांट रही है। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस को राम नाम से काम है और उसके साथ ही कांग्रेस राम विरोधी है। तो चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर राम नाम पर इतनी सियासत क्यों हो रही है, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। ये भारतीय जनता पार्टी की विकृत मानसिकता है, राम विचार नेताम का बयान। किसने कब कहां पे भगवान राम के नाम पे योजना चलाने का विरोध किया है? कांग्रेस पार्टी ने तो कभी विरोध नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जरूर राम का कॉपीराइट अपने पास होने का हमेशा दंभ भरती है, लोगों को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट देती है। अरे, इस देश के अधिसंख्यक लोग हिंदू हैं, हिंदू भगवान राम में आस्था रखते हैं। अब भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो कोर्ट की निर्णय के बावजूद इस देश के समस्त नागरिकों की इच्छा के अनुरूप बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी होल्ड लेने की श्रेय में, दूसरे को नीचा दिखाने की श्रेय में इस प्रकार के गलत बयानबाजी करती है। ये प्रभु राम की विरोध करते करते आज ये पूरे देश भर के नक्शे से कांग्रेस का साफ होते जाने क्या संकेत है। जहाँ जहाँ ये सब प्रभु राम के बारे में कमेंट करते हैं और विरोध करते हैं, जहाँ जहाँ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में टीका टिप्पणी जितने करेंगे, उतने ही कांग्रेस जो है साफ होती जाएगी। तो देखिए, एक बार फिर से राम नाम पर सियासत देखने को मिल रही है। 22 जनवरी वो तारीख जिसका सभी को इंतजार है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री राम की होने वाली है। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत देखने को मिल रही है राम नाम पर। कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी श्रेय लेने की होड़ मची हुई है बीजेपी में, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी इसका पलटवार कर रही है और कह रही है सीधे तौर पर कि कांग्रेस राम विरोधी है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ में खास मेहमान भी जुड़े हुए, उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। बीजेपी की ओर से डॉक्टर किरण बघेल, कांग्रेस की ओर से संजय देवांगन और वरिष्ठ पत्रकार मनीष वोरा हमारे साथ में जुड़े हुए। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले मनीष जी आपसे ही करूंगी। राम नाम पर ये जो सियासी संग्राम देखने को मिल रहा है, क्या ये पार्टियों के 2024 में काम आएगा? और उसके साथ ही दोनों ही नेताओं को आपने सुना, उन दोनों ही नेताओं की जो प्रतिक्रियाएं थी उस पर आपका एक रिएक्शन। देखिए, आपने पहला सवाल किया कि ये जो राम नाम को लेकर के जो कुछ चल रहा है वो क्या 2024 में पार्टियों को काम आएगा। जी, तो देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि 2024 में मुझे तो लगता है कि बहुत पिछले भी लगभग 15-20 साल पहले से राम नाम जो है वो लगातार राजनीति और राजनीतिक दलों के काम आ रहा है और उसका फायदा राजनीतिक दलों को मिल रहा है। यदि हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो निश्चित रूप से वो पार्टी 2 से आज यहाँ तक पहुंची है, तो उसमें राम नाम को लेकर के सबसे बड़ी सियासत उन्होंने करी है और उसका परिणाम उनको मिला है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, इससे इंकार भी नहीं किया जा सकता। अब रही बात यहाँ पर कांग्रेस की, और तो कांग्रेस ने लगातार देखिए जो शुरुआत हुई थी इस आंदोलन की, वो शुरुआत निश्चित रूप से कांग्रेस ने करी थी, वहां का ताला खुलवाने का काम कांग्रेस ने किया था। लेकिन उसके बाद इस पूरे आंदोलन को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजेक किया और उसके बाद वो लगातार उभय हिंदुत्व को लेकर के पूरे देश में जो है वो यात्राएं निकाल करके और एक माहौल बनाने का काम किया, और उसके परिणाम स्वरूप आज जो चीजें देखने को मिल रही है वो राम मंदिर वहां पर बन रहा है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण चीज ये है कि राम मंदिर भी वहां पर बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो इसमें सियासत नहीं होना चाहिए। यदि मंदिर बन रहा है तो वहां पर मुझे लगता है सभी लोगों को जाना चाहिए और जाकर के उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन यदि यहाँ शंकराचार्य को भी हम लेने, शंकराचार्य जो है हमारे जो धर्म में सबसे सर्वोच्च पद जिनके पास है, चार तीनों जमाने में शंकराचार्य है, वो यदि इसमें नहीं जा रहे हैं तो इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्यों नहीं जा रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि धर्म का काम है, धार्मिक काम है, धार्मिक काम ही यदि धर्म के सबसे बड़े गुरु वहां पर शामिल नहीं होते तो निश्चित रूप से ये कोई अच्छे संकेत नहीं जाएंगे, इस बात को समझना होगा। जी
बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आगे किस प्रकार से इस पर सियासत भी देखने को मिलती है। हमारे साथ में बीजेपी से डॉक्टर किरण बघेल जुड़ी हुई, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। किरण जी, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि आप भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को एक इवेंट की तरह संचालित कर रहे हैं और उसके साथ ही सियासी रोटियां यहाँ पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, राम जी का और भाजपा का जो साथ है, जैसे अभी मनीष जी ने खुद बताया कि जब से हमारी पार्टी स्थापित हुई तब से कहीं ना कहीं चोली दामन का साथ रहा है, राम जी का नाम और भाजपा का साथ। चाहे वो 80 की दशक की बात करें, जब केंद्र में हमारी सरकार एक वोट से गिरी थी तब भी हम राम का नाम लिया करते थे। अगर कार सेवकों की बात कर ले या जो कार सेवक के रूप में हमारे कई कार्यकर्ताओं की जान गई और बाबरी मस्जिद का कांड हुआ, तो कितने लोग, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी, जान क्या होती थी। तो राम का नाम हम आज से नहीं बल्कि मुझे लगता है पिछले दो दशकों से भाजपा राम का नाम लेती है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था का विषय है। राम श्री राम हमारे लिए राजनीति का विषय नहीं है बल्कि हमारे आराध्य है और आस्था का विषय है जी। तो इसे राजनीतिक चश्मे से देखना मुझे लगता है गलत है। और रही बात कांग्रेस की, तो वे लोग जो राम के अस्तित्व पर, राम मंदिर, राम लला के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले, कोर्ट में जाने वाले लोग, जब छत्तीसगढ़ में राम पथ गमन का बड़े बड़े होर्डिंग्स में ये दावा कर रहे थे कि राम पथ गमन हमारे सरकार के द्वारा निर्माण किया गया है, कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार करने की, हिंदू वोटर्स को लुभाने की कोशिश की जा रही थी। तो मुझे लगता है राम नाम का बैंक की राजनीति तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस ने की है और कांग्रेस कर रही है, ना कि भाजपा। भाजपा शुरू से ही राम जी के नाम पे मंदिर निर्माण का वादा किया था जनता से, वो पूरा करने जा रही है। और मुझे लगता है कि राजनीति करने का विषय तो कांग्रेसियों का है जी। किरण जी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की ओर से एक और बात कही जा रही है कि मंदिर का निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है और आधा अधूरा मंदिर का निर्माण है, और उसके साथ ही साथ देख लिया जाए तो इतनी जल्दी बीजेपी को क्या है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की, आखिर मंदिर तो पूरा बन जाने देते, इस प्रकार की बातें कही जा रही है कांग्रेस की ओर से। किरण जी, आप अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं लौटूंगी आपके पास में। ठीक है, हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, संजय देवांगन, उनका रुख कर लेती हूं। लगातार आप पर हमेशा बीजेपी एक ही आरोप लगाती है संजय जी, कि कांग्रेस राम विरोधी है, इस पर आपकी एक टिप्पणी। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएगी छूट। तो भगवान राम आराध्य हैं हमारे, हमारे भगवान है वो, उन पर टीपा टिप्पणी करना हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों को शोभा नहीं देता है और ना हम उस योग्य हैं। लेकिन भाजपा के हमारी प्रवक्ता दीदी ने स्वीकार किया है कि जब से भाजपा आई है 80-84 से जो बदला रही है, तब से लेकर के राम और हम एक है और तब से लेकर के चल रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहते हैं कि ये पूजनीय है, इन्हें राजनीतिक से नहीं देखना चाहिए, तो दोनों बात तो खुद कर रही है। राम भगवान जो है आस्था के ही केंद्र हैं और भगवान किसी एक के नहीं, भगवान सबके हैं। अब ये जो दूरी बनाने की बात को कर रही हूँ, मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उस समय अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव रायगढ़ पे हुआ था, उस समय भाजपा के लोगों ने उनसे दूरी बना ली थी। तो क्या उस समय वो भगवान राम आराध्य राम नहीं थे? आज वो जो वहां पर स्थापना हो रही है आराध्य राम है या भाजपा के राम है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए और पूरे सनातनी के लिए ये बहुत बड़ा खुशी का विषय है, बहुत बड़ा हर्ष का विषय है कि हम उस योग के मनुष्य है जिसने सभी चीजों को देखा है, चाहे कंप्यूटर क्रांति की बात हो, चाहे बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी की बात हो,
या राम मंदिर स्थापना की बात हो तो हम तो इसके साक्षी बन रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम सनातनियों के लिए बहुत गर्व का विषय है और इसमें किसी प्रकार से राजनीतिक नहीं, कांग्रेस कभी नहीं की है। राम अगर कांग्रेस राजनीति करना चाहती तो जो 1986 में राजीव गांधी जी ने जब ताला खुलवाया था उसके बाद वहां का शिलान्यास हुआ था तो उसे राजनीतिक से जोड़ करके कांग्रेस आगे बढ़ सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे आस्था और पूजा का विषय माना है और उसको किसी तरह से राजनीति के ऊपर लेकर के नहीं चली। लेकिन भाजपा कह रहे हैं कि राजनीति के ऊपर लेकर नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अगर देख लिया जाए तो निमंत्रण पत्र भी भेजा गया है सोनिया गांधी को, उसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन उन्होंने निमंत्रण पत्र को अस्वीकार कर दिया और सीधे कहा है कि ये बीजेपी और आरएसएस का समारोह है इसलिए हम नहीं जाएंगे। जी देखिए, मैं उसी बात को बोल रहा हूँ कि भगवान राम के नाम से किसी को कोई दुराभाव नहीं है, सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन हम उस राम को मानते हैं जो आराध्य है, प्रभु राम है। ये जो भाजपा के लोग कर रहे हैं ये 2024 की लोकसभा चुनाव के लिए, आज मंदिर का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है। और देखिए शंकराचार्य जी, जैसे हमारे आदरणीय पत्रकार महोदय ने भी बताया, शंकराचार्य जी ने भी इसमें नहीं जाने का निर्णय लिया है। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय है जो कई कुंडलियां, कई उनके पात्र बता रहे हैं कि अभी शुभ मुहूर्त है, कई बता रहे हैं नहीं है, तो होंगे, हम लोग उसके उस विषय में ज्यादा टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि भगवान का मामला ही है। लेकिन ये है कि कहीं से हमको इसमें आपत्ति नहीं, हमको आपत्ति है कि भगवान राम को लेकर के भाजपा जो राजनीति कर रही है। दूसरी बात, ये जो मुद्दा आज मीडिया पे चल रही है या पूरे देश पे चल रही है राम नाम को लेकर के, राम मंदिर की स्थापना को लेकर के, ये किसी अदर पार्टी का देन नहीं है, भाजपा ही से मुद्दा बना करके इसको लेकर के आ रही है ताकि इसके नाम पर पे पूरे देश से वोट इकट्ठा कर सके, लोगों को भड़का सके, लोगों को सनातनी से और अदर जो धर्म के मानने वाले हैं उनसे काट सके और ये देश में जो देश की स्थापना हुई है वो नियम न्याय और संविधान पर ना होकर के धर्म के नाम पर पे हो, ये भाजपा चाहती है। तो इस तरह की खेल और लोगों के साथ भावनाओं से खिलवाड़ करके सत्ता पे काबिज होने का भाजपा अपनाती है, इस तरह के काम कांग्रेस नहीं करती है। जी ठीक है किरण जी, कई सारे आरोप यहाँ पर मनीष जी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो जो मंदिर निर्माण की बातें इनके द्वारा कही गई है कि अधूरा निर्माण है फिर भी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्या 2024 का चुनाव है इस वजह से बीजेपी इतनी जल्दबाजी कर रही है? दूसरा सवाल ये कि जिस प्रकार से कांग्रेस भी सवाल उठा रही है, उसके अलावा पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का काम पुजारियों का होता है ना कि प्रधानमंत्री का, इन दोनों सवालों पर आपकी टिप्पणी। आपकी ऑडियो नहीं आई है, डिवाइस अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास में किरण जी, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार भी लगातार जुड़े हुए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। जिस प्रकार से यहाँ पर देखा जा रहा है मनीष जी, अगर हम देखें तो कई बार सवाल तो उठाए जा रहे थे, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें लगातार कांग्रेस और बीजेपी की ओर से जो आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है उसमें किस प्रकार से आने वाले समय में सियासत देखने को मिल रही है, और जो मंदिर के अधूरे निर्माण की बात कर रही है, तो क्या कांग्रेस का जो आरोप यहाँ पर लगाया जा रहा है वो वाकई में सही है? क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर राम के नाम पर बीजेपी सियासी संग्राम करना चाहती है और यही वजह है कि इसका फायदा उठाने के लिए मंदिर का निर्माण भी पूरा नहीं हुआ, इतना इंतजार भी बीजेपी नहीं कर पाई और सीधे 2024 के चुनाव से पहले भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा। देखिए सीधे तौर पे इस बात को समझना होगा, कोई भी जब बड़ा काम होता है निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी चीजें रहती हैं, जो मुझे लगता है कि प्राण प्रतिष्ठा जो है प्रभु की वहां पर होने के बाद में भी बहुत सारे काम वहां पर लगातार निर्माण की, तो जो कि बड़ा काम है, बड़े काम में बहुत सारे फेसेस में काम होता है, अलग अलग उसमें काम होता है, हो सकता है कुछ काम अधूरा होगा, इससे कतई इनकार नहीं कर सकते क्योंकि हम वहां पर मौजूद नहीं है, हम तो यहाँ रह करके और जो चीजें नहीं बड़ी चीज, जो तस्वीरें भी सामने आ रही है उसमें कहीं ना कहीं जो राम मंदिर का स्ट्रक्चर है वो हम सभी ने देखा है लेकिन उसका निर्माण अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इसलिए भी सवाल खड़े कर रही है कांग्रेस। जी मैं उसी बात को कह रहा हूँ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी 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 मैं उसी चीज को कह रहा था,
जी, जब बड़ा कोई स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, बड़ी चीजों का निर्माण होता है, तो वहां पर चीजें कई फेसेस में बनती है। अभी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के जो बात हो रही है, निश्चित रूप से प्राण प्रतिष्ठा विधि सम्मत होना चाहिए और जो शास्त्र सम्मत होता है उस हिसाब से प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए। और कई सारे शंकराचार्य, निश्चलानंद जी को मैं कल सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई यदि उसका विधिवत प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती तो उसमें अन्य प्रकार की चीजें जो है वो प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं, चूंकि वो ज्यादा जानकार है इसलिए वो उस पर प्रकाश डाल पाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर के जिस बात को कहती थी लगातार कि सौगंध राम जी खाते हैं, हम मंदिर वहीं बनाएंगे, और उसके काट में कांग्रेस यह कहती थी कि भाजपा लगातार केवल नारा लगाती है, हम मंदिर निर्माण नहीं करती। वो कहती थी कि सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर नहीं बनाएंगे, लेकिन भाजपा ने मंदिर बना दिया, धारा 370 हटा दी और भी तमाम जो चीजें हैं वो उन्होंने करके दिखा दी। तो उसके बाद में अब मुझे लगता है कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण चीज ये है कि उसको जनता की नब्ज को समझने की आवश्यकता है, जनता के मन मस्तिष्क को समझने की आवश्यकता है, जनता के चाह क्या रही है जनता उसको समझने की आवश्यकता है, उसके हिसाब से राजनीति की दिशा तय करने की आवश्यकता है। आज जनता जिन चीजों को चाह रही है, जिन चीजों को एक्सेप्ट कर रही है, उस दिशा में जाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम भगवान श्री राम के मंदिर के लेकर के है, वहां पर पे जाना और जाकर के उसमें शामिल होना मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई गलत हो सकता है। किसी संघ का कार्यक्रम हो या किसी का भी कार्यक्रम हो, वहां पर जाने में कहीं कोई आपत्ति नहीं है। एक और प्रश्न यहाँ पर कांग्रेस उठा रही है, कांग्रेस का ये भी कहना है कि निमंत्रण पत्र देने वाली बीजेपी कौन होती है? भगवान श्री राम तो सभी के, जिसकी इच्छा होगी वो आएगा, जिसकी इच्छा नहीं होगी वो नहीं आएगा, तो ऐसे में निमंत्रण पत्र पर भी सवाल उठा रही है इस पर। देखिए, जहां तक मेरी जानकारी है, निमंत्रण पत्र जो है वो राम मंदिर निर्माण समिति जो है, जो न्यास है, उनके द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोई निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है ऐसी जानकारी मुझे नहीं है। जो राम मंदिर न्यास है उनके द्वारा ये निमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है। जी ठीक है, संजय जी, अगर बीजेपी श्रेय ले रही है राम मंदिर बनाने का, तो इसमें कांग्रेस को क्या परेशानी है? क्योंकि कई सारे बयान सामने आए, अगर हम बात करें रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास, तो उनका भी यही कहना था कि इतनी सारी सरकारें आई और चली गई और कोर्ट पहले भी था, लेकिन बीजेपी के शासन में ही राम मंदिर का निर्माण क्यों हो रहा है? जी देखिए, इसमें कांग्रेस को किसी प्रकार से आपत्ति नहीं है। मैं बोला ना, ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पल है, जो 22 तारीख को होगा वहां प्राण प्रतिष्ठा, हम उसे इनकार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम हम सबके आराध्य हैं और हम उस पर टिप्पणी टिप्पणी करने की योग्यता रखते भी नहीं। लेकिन बात इस बात की है कि भाजपा जो है, एक 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, हम तो कह रहे, चलो एक उनके एजेंडे पे था, मेरे ख्याल से 98 के लगभग के उनके घोषणा पत्र में था ये मंदिर बनाने की बात, हम उस बात से कहीं कतई इनकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि राम मंदिर जो है, राम जो है आराध्य पूज्य है, ये आस्था और भावना की बात है। आप इसमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए, आप 2024 की चुनाव में लाभ लेने के लिए इस प्राण प्रतिष्ठा को हड़बड़ी में कर रहे हैं, तो इसको राजनीतिक लाभ लेने के लिए, राजनीति के लिए प्रयोग मत करिए, उपयोग मत करिए। आप लोगों की भावना, लोग देखिए मंदिर जाने के लिए आप निमंत्रण दें ना दें, जो सनातनी धर्म के मानने वाले हैं और जो नहीं भी मानने वाले हैं, मुझे ऐसा विश्वास है कि इतने बड़े राम भगवान के जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वहां मंदिर बन रहे हैं, भगवान की वहां स्थापना होगी, तो पूरे देश विदेश से भी लोग देखने जाएंगे और जाना भी चाहिए। लेकिन भाजपा जिस स्थिति पे आज ला करके खड़ी की है, लोगों को एक बरगलाने की काम करती है, धर्म के नाम पर भी लड़ाने के काम करती है, इस बात की विरोध होती है, ना कि मंदिर और भगवान राम की बात। अगर ऐसी परिस्थिति होती तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, माननीय भूपेश बघेल जी ने जो राम पद वन की बात की है, उसमें जो खर्च किए उसमें बना रहे हैं, आप रायगढ़ पे अंतरराष्ट्रीय रामायण के महोत्सव का कार्यक्रम करवाए, तो अगर राम को नहीं मानते, सनातनी धर्म को नहीं मानते, तो ये क्यों होता? लेकिन इससे तो संजय जी, तो बीजेपी इसलिए भी सवाल उठाती है क्योंकि कई सारे, अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें, उनके कई दिग्गज नेता है जिन्होंने सनातन धर्म को लेकर, श्री राम को लेकर कई सारी टिप्पणियां की है, और उसके अलावा अगर कांग्रेस के नेताओं की बात भी कर ली जाए, तो उनके द्वारा भी ऐसी टिप्पणियां की गई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है, ये बताने के लिए, ये दर्शाने के लिए कि कांग्रेस राम विरोधी है। देखिए, कांग्रेस कभी भी राम विरोधी नहीं रही है। ये एक व्यक्ति का अपना विचार हो सकता है कि कौन कितने ढंग से और किस तरह से बातों को अपना रखता है,
लेकिन इसको रूप देना, विरोध का रूप देना, ये भाजपा का काम है कि कौन किस ढंग से बात को रख रहा है या उनकी आस्था किस तरह की है, उनके बोलने का रिजल्ट क्या निकलता है या बोलना क्या चाहते हैं, इसे मोड़ करके भाजपा प्रस्तुतिकरण देती है और लोगों को दिखाती है कि कांग्रेस भाजपा जो है वही सनातनी धर्म को मानने वाले लोग हैं। अगर आज इस चैनल के माध्यम से जी ठीक है, अब मैं किरण जी का रुख कर लेती हूँ। किरण जी, यहाँ पर तो बीजेपी का, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि अगर कांग्रेस है तो वो कांग्रेस राम विरोधी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई टिप्पणी भी करता है तो वो उसकी व्यक्तिगत टिप्पणी है, ना कि किसी पार्टी विशेष की। देखिए, मुझे तो सबसे पहले यही समझ नहीं आ रहा है कि ये राम विरोधी है, राम मंदिर के निर्माण के विरोधी है, या राम मंदिर में जो शिलान्यास हो रहा है, जो भगवान जी की स्थापना हो रही है, वो मोदी जी के द्वारा हो रही है, उस चीज के विरोधी है। पहले तो ये यही क्लियर करें कि ये इनका विरोध क्यों, क्या क्यों है, मोदी जी के अविरोध विरोध है या राम जी का। पहले तो ये दो स्टैंड क्लियर कर ले। पहली बात आपने, फिर आपने खुद ही आपने बताया कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ही हिंदुओं को, सनातनियों को डेंगू मलेरिया वायरस से तुलना की है। और अभी संजय जी बोल रहे थे कि हमारी पार्टी राम विरोधी नहीं है, राम विरोधी इज इक्वल टू हिंदू और हिंदू इज इक्वल टू राम है। और आपके ही राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़के जी के सुपुत्र जब ये वक्तव्य आता है डेंगू वायरस वाले कंपैरिजन का, तो उनके ही बेटे इनका सपोर्ट करते हैं और खड़के जी भी इसका इस मामले को कंडेम नहीं करते बल्कि अपने बेटे के पक्ष में दिखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका जो राम विरोधी चेहरा है, हिंदू विरोधी चेहरा है, या तुष्टिकरण वाली राजनीति तो पहले ही दिखाई देती है। फिर ये किस मुंह से कह रहे हैं कि राम के विरोधी नहीं है, हिंदू राम पदगमन की बात करते हैं। तो भाई साहब, जो तुष्टिकरण की राजनीति है, जो सिलेक्टिव राजनीति आप जो कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में या भारत में, मुझे लगता है भारत की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है। और आप जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं और अपने अलग अलग समाज के लोगों को बहलाने की या प्रलोभन की कोशिश कर रहे हैं और हिंदू के विरोधियों के बारे में बात करें, तो मुझे लगता है जनता इसका हिसाब आने वाले लोकसभा चुनाव में जरूर ली है। ठीक है, संजय जी आपकी टिप्पणी। जी बिल्कुल, हमारी दीदी जी ने जिस बात को कहा प्रलोभन देने की बात, तो ये तो भाजपा कर रही है। अगर नहीं है ऐसा तो ये पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी जी मंदिर का निर्माण में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के बाद से निर्माण हो रही है, वाकई में मोदी जी करवा रहे हैं, अच्छी बात है, हम इनकार नहीं कर रहे, मैं स्वीकार कर रहा हूँ चैनल के माध्यम से। लेकिन आप मुझे एक चीज बता दीजिए, जिस सनातनी धर्म की बात करते हैं, हमारा सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है, हमारे वेशभूषा क्या है, क्या हम उस चीज का पालन करते हैं, हम पाश्चात्य जीवन और पाश्चात्य परिधि को नहीं मान रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो अपनी अपनी आप जिस बात को बोल रहे हैं कि हम प्रलोभन देते, प्रलोभन हम नहीं देते, प्रलोभन देने की बात या भगवान के नाम पर वोट मांगने की बात होती तो हम 1986 में जब राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए थे उस समय कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। ये काम भाजपा की है, आपने इस बात को पहले भी स्वीकार किया है और आज भी अगर आप इस बात को कहते हैं कि ये हिंदू विरोधी है, राम विरोधी है, तो मैं बता दूं कि सनातनी धर्म और सनातन का जो परिभाषा हमारा वेशभूषा है, वो ना आप उसको स्वीकार की है, ना आप पहन करके बैठी है, ना मैं पहना हूं। तो ये जो आस्था है, आराध्य है, और जो सनातनी जो नियम और पालन जो है, हम लोग पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। और रही बात भगवान राम के नाम पर, ज्यादा टिप्पणी और ज्यादा बातों को हम नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि हमारे प्रभु राम है, हम पैदा हुए तो राम सुने हैं, और जब हमारा अंत काल आएगा, जब हमको चार कंधे पे भी ले जाएंगे, तो राम नाम के ही साथ ही लेकर के जाएंगे। तो आप लोग इसे राजनीति का मुद्दा बना सकते हैं, लोगों को और देश को बरगला करके भड़का सकते हैं। संजय जी, चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, लेकिन राम नाम पर हमेशा सियासत देखने को मिलती है। अगर इतिहास में देखा जाए तो वो स्पष्ट नजर आता है। ठीक है, मनीष जी का रुख कर लेती हूँ मैं। मनीष जी, जिस प्रकार से आपने दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, अपनी अपनी बातें उन्होंने पार्टियों के द्वारा रखी गई है, पार्टियों की तरफ से रखी गई है, इससे स्पष्ट होता है कि राम नाम पर सियासत तो जारी है, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें, किस प्रकार से इसका प्रभाव पड़ने वाला है? अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस पर कितना असर और बीजेपी पर इसका कितना असर होता नजर आएगा? देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए हम बात करें, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बात को चाहेगी कि वो जिन चीजों को लेकर के जनता के बीच में
वर्षों से जा रही है उन बातों को पूर्ति करके और जनता का विश्वास अर्जित करने का प्रयास करेगी। और इसके साथ हम जो बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बात की ओर देखिए लगातार इस बात को कह रही है कि हम धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर जो है वो धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि धर्म सत्ता और राज सत्ता दो अलग अलग चीजें हैं। धर्म सत्ता राजाश्रय से चलती है और राज जो चलता है वो धर्म सत्ता के अंकुश से चलता है। इन दोनों चीजों को समझना होगा और इनके हिसाब से आपको राजनीति की दिशा तय करनी होगी। और इस हिसाब से देश में आज जो कुछ भी चल रहा है उसको तय करने से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों को इस बात को समझना होगा कि आप धर्म और आस्था इन दोनों चीजों का जो हाल में राजनीति में किया जा रहा है उससे हम जनता को कितना फायदा पहुंचा रहे हैं, जनता का क्या लाभ हो रहा है, जनता के जीवन स्तर को उठाने में क्या प्रयास हम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो जब भी धर्म पर राजनीति देखने को मिलती है तो कहीं ना कहीं आम जनता की जो जरूरी सुविधाओं से जो जरूरी मुद्दे होते हैं, चाहे हम शिक्षा को लेकर बात करें, बेरोजगारी को लेकर बात करें, वो हावी होते धर्म के मुद्दे पर नजर आते ही है। ऐसे में पार्टियों को विचार करने की जरूरत भी होती है। फिलहाल के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, उस डिबेट में हमारे साथ में शामिल होने के लिए। देखिए, कमंडल वर्सेस मंडल की राजनीति हमेशा देखने को मिलती है और तमाम जो सियासत पार्टियां होती है इस पर रोटियां भी खूब सेकती है। लेकिन सवाल यही कि जिस प्रकार से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, राम नाम पर, उससे क्या 2024 में काम बन पाएगा या नहीं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, तिकरी नादी टीवी, नमस्कार।